मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज मैं सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट टू लेकर आया हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा बेसिक डिफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप। इस टॉपिक पर क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, हमारा पहला सवाल, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन वाली ठोस मृदा का निम्न भार होता है, ए बायंट यूनिट वेट, बी सेचुरेटेड यूनिट वेट, सी वेट यूनिट वेट, या डी ड्राई यूनिट वेट, बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बायंट यूनिट वेट। तो देखिए, ये होता क्या है कि सबमर्ज्ड मास ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, जो बोला है सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड या मास ऑफ सॉइल सॉलिड, इसका मतलब हुआ कि पानी में डूबने पर रह गया मिट्टी का भार। सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड माने कि पानी में डूबने पर रह गया मिट्टी का भार के टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये तो ऊपर हो गया, पानी में रह गया मिट्टी का भार पर यूनिट वॉल्यूम आयतन के, इकाई आयतन पे, ठीक है, इकाई आयतन पे पानी में रह गया मिट्टी का भार। तो इसी का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, सबमर्ज्ड मास ऑफ सॉइल सॉलिड वाई सब बराबर वाई सेट माइनस वाई डब्लू, ये फॉर्मूला भी है इसका, ठीक है। वाई सब मतलब होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू, देखिए वाई सब का मतलब हुआ सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाई सेट का मतलब हुआ सेचुरेटेड यूनिट वेट, ये और वाई डब्लू का मतलब हुआ यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज कॉल्ड, रंध्रों के आयतन और मिट्टी के ठोस पदार्थों के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, ए पोरोसिटी, बी वर्ड रेशियो, सी परसेंटेज एयर कॉन्टेंट, या डी वाटर कॉन्टेंट, बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है वी वी अपान वी इंटू हंड्रेड, ठीक है। वी वी का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और वी हुआ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम हुआ और ये हुआ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इंटू हंड्रेड, ठीक है। और इस जो पोरोसिटी का वैल्यू होता है वो जीरो से, मतलब कि एन का जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर होता है और स्मॉलर देन हंड्रेड होता है, ठीक है, हंड्रेड परसेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट। फॉर ए फुली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी के नमूने के लिए संतृप्ति की डिग्री कितनी होती है, 25%, बी 0%, सी 100%, या डी 50%। तो पता होगा आपको फुली सेचुरेटेड जब सॉइल है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है, 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जनरली इन सॉइल मैकेनिक्स सॉइल इज कंसिडर्ड एज, मृदा यांत्रिकी की में सामान्यतः मृदा माना जाता है, ए टू फेस सिस्टम, बी वन फेस सिस्टम, सी थ्री फाइव फेस सिस्टम, या डी थ्री फेस सिस्टम, बताइए। तो इसमें होगा आपका थ्री फेस सिस्टम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। थ्री फेस सिस्टम क्या होता है, जिसमें तीनों मौजूद हो, एयर, वाटर और सॉलिड। और टू फेस सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ वाटर होगा और सॉलिड होगा, एयर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ
द फॉल ऑफ हैमर इज, मानक वेदन परीक्षण में हथौड़े की गिरावट की ऊंचाई क्या होती है? ए 56 सेंटीमीटर, बी 66 सेंटीमीटर, सी 76 सेंटीमीटर या डी 86 सेंटीमीटर, बताइए। तो इसमें होती है आपकी ऑप्शन सी 76 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड, किस पैरामीटर को हम यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल, ठीक है। जब रेतीली मिट्टी के घर्षण गुण का अनुमान आकलन करने हेतु कर सकते हैं, किसका प्रयोग बताइए। ए पार्टिकल साइज, बी रफनेस ऑफ पार्टिकल, सी डेंसिटी इंडेक्स या डी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए। टू एस्टिमेट एंगल ऑफ फ्रिक्शन को एस्टिमेट करना है सैंडी सॉइल का, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। और देखिए डेंसिटी इंडेक्स होता है उसको हम डेंसिटी इंडेक्स होता है उसको हम आईडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जितना इसको इंक्रीज कीजिएगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी उतना इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए इसमें आपका हो जाएगा डेंसिटी इंडेक्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इफ द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड देन इट इज सेड टू बी, देखिए दोस्तों ये इसमें मैंने बेसिक डिफिनेशन और रिलेशनशिप का पार्ट टू में मैंने थ्योरी पे बेस्ट क्वेश्चन लाया है, और थर्ड पार्ट जो मैं लाऊंगा उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें इसी पे आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, ऐसा है न्यूमेरिकल जो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, SSC JEE और DPSSC JEE और स्टेट लेवल एग्जाम के बेस पर ही है वो न्यूमेरिकल, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, इफ द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड देन इट इज सेड टू बी ए वन फेज सिस्टम विथ सॉइल, बी टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर, सी टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर या डी थ्री फेज सिस्टम, बताइए क्या पूछ रहा है। फुली सैचुरेटेड सॉइल, तो जब फुली सैचुरेटेड होता है तो क्या होता है हमारा बताइए। तो इसमें होगा हमारा टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फुली सैचुरेटेड जब होता है तो उसमें एयर नहीं होता है, नॉर्मली थ्री फेज सिस्टम होता है सॉइल वाटर एयर, लेकिन जब टू फेज सिस्टम बोलेंगे तो सिर्फ होगा सॉलिड और वाटर, यानी कि सॉइल और वाटर होगा, सॉलिड होगा, एयर इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल इज बाय द रिलेशन, देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल बताना है, जो है उसको बताया कि किस रिलेशन के द्वारा, दानेदार मृदा दानेदार मृदा का सापेक्ष घनत्व किस संबंध द्वारा व्यक्त किया गया है बताइए। ऑप्शन है आपके चारों सामने, कौन सा होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मीन, ठीक है, इनटू 100, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो होता है ये आपका रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू होता है वो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगा तो उसमें एक से कम होगा, अगर पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगा सॉइल तो
तो रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है, सॉरी जो वैल्यू होगा रिलेटिव डेंसिटी का वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब अगर वेल ग्रेडेड होगा तो यही वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगा जब वेल ग्रेडेड होगा, ठीक है। और सेंड के लिए नॉर्मली ये होता है 4 से अधिक, सेंड के लिए नॉर्मली जो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू होती है वो मोर देन होती है 4, ठीक है, और ग्रेवल के लिए मोर देन 6, ठीक है, सेंड के लिए मोर देन 4 और ग्रेवल के लिए मोर देन 6 होता है। चलिए नेक्स्ट, ए पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल कंटेंट, बताइए आंशिक रूप से संतृप्त मृदा में निम्न होता है, ए सॉलिड्स एयर ओनली, बी सॉलिड्स एयर वाटर एंड क्ले ओनली, बी सी सॉलिड्स एंड वाटर ओनली, या डी सॉइल सॉलिड्स एयर एंड वाटर ओनली। तो देखिए पार्शियली में पहले ही बताया क्या होगा, सॉलिड एयर और देखिए इससे पहले मैंने बताया था फुली सेचुरेटेड में क्या होता था, फुली सेचुरेटेड में तो फुली सेचुरेटेड में होता था हमारा सॉलिड और वाटर, एयर नहीं होता था, ये फुली सेचुरेटेड था। लेकिन जब पार्शियली सेचुरेटेड बोल दिया है तो इसमें आपका तीनों होगा, ठीक है, सॉलिड भी होगा एयर भी होगा और वाटर होगा, ये होगा हमारा पार्शियली सेचुरेटेड तीनों, तो तीनों किस में है, सॉलिड एयर वाटर, सॉलिड एयर वाटर ओनली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और यही पूछता फुली सेचुरेटेड तो सिर्फ सॉइल एंड वाटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स टेम्परेचर फॉर रिपोर्टिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी, बताइए भारतीय मानक के अनुसार विशिष्ट गुरुत्व उचित करने के लिए कितना तापमान होता है, ए 30 डिग्री, बी 27 डिग्री, सी 25 डिग्री, या डी 15 डिग्री। तो इसमें होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 27 डिग्री, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किया जाता है किससे, पिकनोमीटर, पिकनोमीटर, और पिकनोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है, दोनों मेजर किया जाता है पिकनोमीटर द्वारा, ठीक है। और पिकनोमीटर देखिए जो वैल्यू होता है पिकनोमीटर का, जो जो फॉर्मूला होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है जो सॉरी वैल्यू जो होता है पिकनोमीटर का वो होता है हमारा 2.6 to 2.9 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा, 27 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 27 डिग्री होता है, सॉरी सेल्सियस नहीं, सॉरी टेम्परेचर तो सेल्सियस में ही होगा, 27 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द सॉइल इज फुली सेचुरेटेड देन इट इज सेड टू बी, अब देखिए फुली सेचुरेटेड है तो पहले डिस्कस किए थे फुली सेचुरेटेड का, बताइए वन फेज सिस्टम विद सॉइल, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, ये सब क्वेश्चन मैंने करा दिया है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिकनोमीटर, देखिए पिकनोमीटर की हेल्प से क्या डिटरमाइन करते हैं, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, बताइए कौन सा होगा, वाटर कॉन्टेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, वाटर कॉन्टेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, देखिए द यूनिट वेट ऑफ ए कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय, पूर्णतः संतृप्त मृदा का एकांक भाग दिया जाता है, बताइए फॉर्मूला है किससे डिराइव करते हैं यूनिट वेट को ऑफ ए कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल का, बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, ठीक है, जी प्लस ई अपान वन प्लस ई इंटू
गामा डब्ल्यू कौन है, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपन वन प्लस ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ई हमारा विक्ता अनुपात है, और ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है, वाई गामा डब्ल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, मृदा का विशिष्ट गुरुत्व होता है, ए सेम फॉर क्ले एंड सैंड्स, मिट्टी और रेत के लिए समान, बी डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, सी लेस देन टू फॉर मोस्ट सॉइल माने अधिकतम मृदा के लिए दो से कम, या डी मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल, अधिकतर मृदा के लिए 2.5 से अधिक, मोर देन इसे मोर देन 2.5 ऑफ द मोस्ट, अधिकतम मृदा के लिए 2.5 से ये अधिक होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सही होगा, तो इसमें होगा हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है अधिकतर मृदा का वो 2.5 से अधिक होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए, जिसका नॉर्मली देखें वैल्यू आप 2.6 to 2.7 बुक में दिया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू विच ऑफ द वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, संतृप्त मृदा के लिए रिक्ता अनुपात जलांश और ठोस के विशिष्ट गुरुत्व के कितने के बराबर होता है, ए सम, बी प्रोडक्ट, सी डिफरेंस, या डी रेशियो, बताइए। तो देखिए एक रिलेशन होता है E इंटू एस आर बराबर डब्ल्यू इंटू जी, ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये आपका वर्ड रेशियो, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये W वाटर कॉन्टेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं तब बता रहे, इसमें आपका होगा वैसे बी इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट किस तरह आता है, चलिए देखिए, देखिए ये होता है ई होता है इंटू एस आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, आपका ई जो है वर्ड रेशियो है, सेचुरेशन वैल्यू है, वाटर कंटेंट है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, तो देखिए इसमें दोस्तों वीडियो पॉज हो गया था तो फिर से मैंने रिकॉर्ड किया, तो देखिए क्या होता है इसमें, जो आपका यहाँ दिया है वर्ड रेशियो, तो यही आपका ई होता है वर्ड रेशियो। ठीक है, ये होता है वर्ड रेशियो होता है आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका होता है ऐसा जो बताएं सेचुरेशन वैल्यू सेचुरेटेड सॉइल का, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा इक्वल टू था डब्लू, जो हो जाएगा इक्वल टू क्या, इक्वल टू हो गया यहाँ पे, फिर आपका हो गया वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट आपका डब्लू हो गया, और फिर था हमारा इंटू जी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो इंटू जी है ना, तो यही इंटू प्रोडक्ट होता है, और लास्ट में क्या बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि ऑप्शन ये जी। ठीक है, तो वर्ड रेशियो का ई, सेचुरेशन ऑफ सॉइल का ये, इक्वल टू का ये, ठीक है, उसके बाद वाटर कंटेंट आपका ये, और एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वही एंड की जगह क्या है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, उसके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, तो ये प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और सॉरी दोस्तों वीडियो कट गई थी, देखिए अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स, बताइए शुष्क इकाई भार तथा जल के इकाई भार के अनुपात को निरूपित किया जाता है, ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल, सी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास, या डी श्रिंकेज रेशियो, बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, श्रिंकेज रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
इन विच इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट पोरोसिटी, पोरोसिटी किसका ज़्यादा होता है, ए लूज एंड ग्रेवल, लूज सैंड एंड ग्रेवल, बी सैंड स्टोन, सी लाइम स्टोन या डी चाक, बताइए। तो इसमें होगा आपका लूज सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन कराऊंगा, और वो न्यूमेरिकल होगा आपके SSC JEE और BSC JEE स्टेट एग्जाम के लेवल के अनुसार, ज़्यादा हाई नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।